अभी आज मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है जो कि मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। और हमारे इंडिया के एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है पारस ऑफिशियल, और इनका जो चैनल है गेमर के नाम से है, पारस ऑफिशियल जो कि इनका नाम है, और वो गेमिंग की वीडियो डालते हैं। तो इनके पास 2-3 दिन पहले कॉल आई थी, तो जो कि उनको धमकाया था किसी बंदे ने, और वो बोल रहे थे कि मुझे पता भी नहीं और उनको जानते भी नहीं, और जो पारस भाई हैं तो किसी से उनकी दुश्मनी भी नहीं है, और उनके घर टेलीफोन करे वो लोग, टेलीफोन करके कैसे भी इनको लोकेशन करके उनके घर आ गए। और सुबह का टाइम था, सुबह 6 बज रहा था, और उनकी मम्मी गई डोर पर, दरवाजा खोला, और जब पता चला कि उनको मारने के लिए आए हैं तो उनकी मम्मी को भी धक्का दे दिया उन लोगों ने, और पारस भाई को बहुत ही ज़्यादा मारा, नाक पे मारा, सर में मारा और आँख में मारा, यानी कि हाथ भी टूट गया बेचारे का। अब क्या करें, और अभी बहरहाल देखते हैं क्या होता है, और आगे वीडियो में हम देखेंगे उनकी क्या डिटेल आती है और उनकी जो रिपोर्ट वगैरह जो कि केस हो चुका है अभी। और भाई प्लीज, मैं गाय सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े यूट्यूबर हो आप लोग थोड़ा सेफ्टी में रहिए, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकता है, किसी भी लोग को खतरा हो सकता है। ये नहीं कि आप लोग कहीं पे जाइए, भीड़ भाड़ वगैरह में जाइए, हो सकता है आपको भी नुकसान हो जाए। तो जिस तरह से इस बंदे को हुआ, पारस भाई को हाथ वगैरह सब पूरा भाई भाई को तोड़ दिया उन लोगों ने, आप क्या बताएं। और अभी देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, क्या रिपोर्ट आती है। अगर भाई आप लोग बड़े यूट्यूबर हो सकता है आपका दुश्मन कोई ना कोई जरूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई दुश्मन मिलेगा, क्योंकि आप लोग जब तरक्की करते हो ना, जो दुश्मन वगैरह होते हैं ना ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आपके घर के बगल के दुश्मन हो जाते हैं या तो कहीं दूर के हो जाते हैं, और कैसे भी आपको वो पता करके आपका नुकसान करना चाहते हैं। जिस तरह से इनका आज हुआ है उसी तरह आपका भी हो सकता है। प्लीज आप लोग केयरफुल रहिए, अलर्ट रहिए, और चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, ताकि नए यूट्यूबर जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं उनके साथ ऐसा ना हो, और जैसा कि अभी पारस भाई के साथ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सब सेफ रहे, सबकी सेफ्टी रहे, और किसी भी बंदे को कोई किसी भी तरह का नुकसान ना हो।